लिटन दास की जिम्मेदाराना बैटिंग। बांग्लादेश का पिंडी टेस्ट में कम बैक, 8 विकेटों के नुकसान पर 259 रन बना लिए। 6 विकेटों पर 26 रन पर गिर गई थी। मेहदी हसन और लिटन दास की जोड़ी ने टीम को तबाही से बचा लिया। मेहदी हसन 78 रन बनाकर आउट हुए। लिटन दास की शानदार बैटिंग, सेंचुरी स्कोर कर ली। क्रीज पर मौजूद कोरम शहजाद की तबाहकुन बॉलिंग, 6 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखा दी। मीर हमजा ने 2 विकेट्स ली। शादमान इस्लाम 10, नजमुल हसन शांतु 4, मुशफिकुर रहीम 3 रन बनाकर आउट हुए। शकीबुल हसन 2, मोमिनुल हक और जाकिर हसन 1-1 रन बना सके। क्या बानी पीटीआई वाकई ऑक्सफोर्ड के अगले चांसलर के तौर पर बेहतरीन इंतखाब है? बरतानवी अखबार द गार्डियन ने बानी पीटीआई को तालिबान दोस्त करार दे दिया। लिखा, बानी पीटीआई ने उसामा बिन लादेन को शहीद करार दिया, दहशतगर्द कहने से भी इनकार कर दिया था। बानी पीटीआई ने तालिबान को गुलामी की जंजीरें तोड़ने पर मुबारकबाद दी। बानी पीटीआई की उम्मीदवारी ऑक्सफोर्ड की खवातीन बशमूल हालिया और माजी की खातून ग्रेजुएट्स की तौहीन है। हुकूमत से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर कौमी असेंबली से मुज़ाकरात की बात की तर्दीद कर दी। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, स्पीकर अयाज सादिक से कभी मुज़ाकरात की बात की, ना ऐसा इरादा है। हमारे किसी रुकन या वफ्द ने स्पीकर के साथ हुकूमत से मुज़ाकरात की बात नहीं की। हुकूमत से बराह रास्त मुज़ाकरात ना करने के मौक़िफ़ पर कायम है। बतौर अपोजिशन जमात हमारी स्पीकर कौमी असेंबली से मुलाकातें होती रहती हैं। हमें आपसे बात करने का कोई शौक नहीं। जेल में आपके चोर, बददियानत और करप्ट लीडर्स हैं। मुज़ाकरात और पांव पकड़ने की ज़रूरत आपको है। वज़ीर इत्तला'आत पंजाब असमा बुखारी का रद्दे अमल। कहा, नवाज शरीफ वापस आए, वफाक और पंजाब में हुकूमत बनाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। वज़ीर आला मरियम नवाज़ आवाम की खिदमत में मसरूफ़ है। जो गढ़े आपके लीडर खोद कर गए, शहबाज शरीफ इन्हें पुर करने की कोशिश कर रहे हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने हुकूमत को मुज़ाकरात का मशवरा दे दिया। कहते हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं तो अच्छी बात है। कौमी मामलात पर सियासी जमातों में मुज़ाकरात होने चाहिए। वज़ीर आज़म को मुज़ाकरात को लीड करना चाहिए। शहबाज शरीफ टीम के कप्तान हैं, इन्हें फैसले करना और आगे बढ़ना चाहिए। पीटीआई को भी मुज़ाकरात करने चाहिए। पीपल्स पार्टी कौमी मामलात पर हुकूमत का साथ देगी। नवाज शरीफ से पार्टी के सीनियर कारकुनान की मुलाकात। पार्टी सरबरा को दरपेश मसाइल से आगाह किया। नवाज शरीफ की लीगी कारकुनों के दरपेश मसाइल फौरी हल करने की हिदायत। मुलाकात में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। कराची में समंदरी तूफान के असरात खत्म। असना शहर कायद से बहुत दूर चला गया। शिदत में बतदरीज कमी, फासला 500 किलोमीटर से जायद हो गया। तूफान और माड़ा से 350 और गवादर से 207 किलोमीटर दूर। कराची में मजीद मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं का इम्कान खत्म। शहर में आज मतला जुजवी अबर आलूद रहने, बूंदाबांदी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल से हवाओं का सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल होगा। कल से 4 सितम्बर तक मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। कराची में मॉनसून बारिशों से इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह मुतासर। पहले से टूटी फूटी सड़कें मुकम्मल तबाह हो गई। पानी जमा होने से बहादुराबाद की सड़कों का हुलिया बिगड़ गया। नाजिमाबाद की नई नवेली सड़क पर भी गड्ढे पड़ गए। सीवरेज के पानी की निकासी ना होने से नाजिमाबाद मसाइल का गढ़ बन गया। ईदगाह की मरकजी सड़क पर गंदा पानी जमा। नाजिमाबाद 2 नंबर से पापोश नगर जाने वाली सड़क शहरियों के सब्र का इम्तिहान लेने लगी। गटर उबलने से इलाके में तफन, शहरियों की जिंदगी अजीर। सिर्फ ग्रेड 16 तक नहीं, ग्रेड 22 तक राइट साइजिंग की जा रही है। वफाकी हुकूमत की डॉक्टर कैसर बंगाली के मुशाहिदात पर वजाहत। तर्जमान हुकूमत ने कहा कि राइट साइजिंग के पहले मरहले के दौरान 6 वजारतों का जायजा लिया गया। 1 वजारत खत्म करने की मंजूरी दी जा चुकी। 2 वजारतों को जम किया जा रहा है। ग्रेड 22 के कम अज कम 2, ग्रेड 17 से 21 तक के कई खत्म हो सकते हैं। हुकूमत डॉक्टर कैसर बंगाली की राय को कदर की निगाह से देखती है।
पावर सेक्टर में इस्लाहात के लिए एक्शन प्लान मरतब करके बेहतरी लाई जा रही है। पंजाब हुकूमत के तावुन से बिजली सारफीन को 45 अरब का रिलीफ दिया जा रहा है। वजीर तवानाई सरदार अवैस लखारी कहते हैं पाकिस्तान की मायशत में पावर सेक्टर रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। बिजली चोरी के नासूर को कुचलने के लिए हर हद तक जाएंगे। पाकिस्तान में जो तबका बरसर इकतदार होता है आज 77 साल से 77 ईयर्स हो गए। आप बताएं कि इनमें बजाहिर इनके इंडिविजुअल्स को अगर आप देखें तो आपको लगेगा ये सब बहुत पढ़े लिखे हैं। तो ये सारे पढ़े लिखे कौम को जाहिल बनाते हैं, कौम को बिजली का बहरान देते हैं, कौम को गैस का बहरान देते हैं, कौम के बच्चों को जो है वो महरूम करते हैं, तालीम को इतना महंगा कर देते हैं कि गरीब तो फारिग हो गया, मिडिल क्लास अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रही है। हम सब मिडिल क्लास आबादियों के लोग हैं। पहले जो चीज बहुत आसानी से लोग हासिल कर लेते थे अब बच्चों को पढ़ाना कितना मुश्किल है जबकि बिजली का बिल बम बनकर गिरता हो। आवाम को खैरात नहीं हक मिलना चाहिए, बिजली के बिल आवाम पर बम बनकर गिर रहे हैं। हम घर बैठ गए तो ये बिजली के बिल मजीद बढ़ाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का लाहौर में तकरीब से खिताब का, पाकिस्तान के हालात पढ़े लिखे जाहिलों ने खराब किए हैं। हुकूमत किसी भी मैदान में कामयाब नहीं हो सकी, हुक्मरान सिर्फ अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं। सिविल सर्वेंट्स के पेंशनरी फवायद खत्म, काम और बढ़ाने के सवाबदीदी इख्तियारात की मंजूरी की तजवीज़, पेंशन, हाउस बिल्डिंग, फाइनेंस कार कर्जा, ग्रेजुटी और दीगर मुराद शामिल। इजरा के मुताबिक हुकूमत किसी की भी वक्त पेंशन और दीगर फवायद खत्म कर सकती है। वजारत खजाना ने तजवीज़ की तौसीक कर दी, मुजवजा सबरी मंजूरी के लिए विफाकी काबीना को पेश की जाएगी। रूस के लापता MI-8 हेलीकॉप्टर का कोई सुराग न मिल सका। हेलीकॉप्टर कामचटका से गुज़श्ता रोज लापता हो गया था। हेलीकॉप्टर में 19 मुसाफिर और अमले के 3 अफराद सवार थे। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें, सहराई वादियां पानी से भर गईं। मौसम खुशगवार, मक्का, मदीना, अलबाहा, असीर और जाजान में मजीद बारिशों का अलर्ट जारी। उधर गजा में भी तेज बारिश, जुल्मों जबर का शिकार बच्चे खुशी से झूम उठे, बारिश से लुत्फानंदोज होने की वीडियो वायरल। चैंपियंस लीग के लिए खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट का मरहला मुकम्मल, चेयरमैन PCB की जेर सदारत इजलास, फैसलाबाद में चैंपियंस लीग कराने की तैयारियों का जायजा। शायकीन आखिरी 4 मैचेस के सिवा तमाम मैच फ्री देख सकेंगे। मोहसिन नकवी का कहना है कि चैंपियंस लीग से नया टैलेंट सामने आएगा, डोमेस्टिक क्रिकेट मजबूत होगी। साबिक भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने मौकिफ बदल लिया, भारतीय टीम के पाकिस्तान जाने की मशरूत हिमायत कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हरभजन सिंह ने कहा मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करती जाए तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम को पाकिस्तान जाना चाहिए। हमारे नुक्ते नज़र से पाकिस्तान जाने में तहफ़ुज़ात रहे हैं, सिक्योरिटी की यकीन दहानी नहीं कराई जाती तो टीम को वहाँ नहीं जाना चाहिए। पैरालंपिक्स में चीन की बालादस्ती बरकरार, 16 गोल्ड मेडल के साथ टॉप पर बरतानिया के 6 और नीदरलैंड्स के 5 गोल्ड मेडल। पाकिस्तान के वाहिद एथलीट हैदर अली 6 सितंबर को इन एक्शन होंगे। फ्रांस में पाकिस्तानी सफीर का हैदर अली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार, कहा इंशाल्लाह हैदर अली पेरिस में पाकिस्तान का झंडा लहराएंगे। पाकिस्तान के एहसन अयाज वेल ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में मलेशियन हरीफ को 3-2 से शिकस्त, एहसन ने कमबैक करते हुए फतह अपने नाम की।